अभ्युदय योजना 2022-23 के अंतर्गत अभ्युदय योजना में इस बार जितने भी सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, उन्हें टैबलेट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी के काफ़ी कमेंट आ चुके हैं हमारी सभी वीडियो पर, और आप लोग यही पूछ रहे हैं कि दोस्तों हम सिलेक्टेड तो हो चुके हैं, अब हमें टैबलेट कैसे मिलेगा, हम टैबलेट कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। साथ ही दोस्तों, ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सही दोस्तों, पीडीएफ फाइल की नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो लें, वहाँ पर मैं हर एक पीडीएफ फाइल को फॉर्मेट को वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत अभी आपको कितने और प्रोसेस यहाँ पे अपनाने होंगे, और किन्हें टैबलेट दिया जाता है और किन्हें टैबलेट नहीं मिलता है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। तो अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर एक समझाने के लिए एक न्यूज़ पत्रिका को दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर 21 मई को ये शेयर की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो बताया गया है ये है अमरोहा की, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आप समझ जाएंगे सब कुछ, सारी जानकारी। अब इसमें देखिए कि MLC डॉक्टर हरिओम सिंह ढिल्लो ने कहा कि ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जो आर्थिक तंगी के चलते IAS IPS समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते, उनके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग कराई जा रही है। और यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले जो है JS हिंदू इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 18 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। तो देखिए, इसमें अभी आप समझें कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन सभी को सबसे पहले तो अपना फोकस करना होगा कोचिंग पर, क्योंकि कोचिंग सत्र जब स्टार्ट होगा, जब तक आपका जो है कोचिंग सत्र यहाँ पर कम्प्लीटली पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आपको यहाँ पर टैबलेट नहीं वितरित किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, आपको टैबलेट तब मिलेगा जब आपके यहाँ पर कोचिंग सत्र कम्प्लीट हो जाते हैं, और आपके लास्ट मंथ में कोचिंग सत्र के जब आपका कम्प्लीट होना रहता है, तभी दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है फॉर्म भराया जाता है आपके ही सेंटर के माध्यम से, जहाँ पर आपकी कोचिंग क्लासेस चल रही होती हैं, वहीं से ही आपको जो है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, फॉर्म दी जाती है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पर दी जाएगी। लेकिन अभी आपको फिलहाल दोस्तों, कोचिंग स्टार्ट होते ही आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने कोचिंग पर। तो अभी आप टैबलेट के बारे में ना सोचें, टैबलेट के बारे में जैसी कोई सूचना मिलेगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे। और इस टैबलेट के बारे में, जब तक कि आप यहाँ पर कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको टैबलेट नहीं दिया जाएगा। अब यहीं पर आपको एक न्यूज़ और दिखा देते हैं। देखते हैं यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2022, युवा अपने ही जिले में कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। तो देख सकते हैं, मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया कि पहले ये जो है आपको मंडल में ही स्थापित हुआ करते थे, जिसके लिए छात्रों को काफ़ी दिक्कत होता था, भटकना पड़ता था। अब ऐसे में दोस्तों जो है, इसे हर जिले में इसके कोचिंग सेंटर को बना दिया गया है, और आपके हर जिले में आपके नज़दीकी ही केंद्रों से जल्द ही आप सभी को कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया तो रिजल्ट का 25 तारीख को डिक्लेयर हुआ है। वैसे में सारे PDF फाइल को सेंटरों पर भेजा जाएगा, सेंटरों पर बाकायदा जो है स्टूडेंट के बैठने उठने के लिए सारी डैशबोर्ड वगैरह का सब कुछ वहां पर तैयारियां चल रही होंगी। जैसे ही तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं, आप सभी को कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहां पर जैसे ही कॉल आएंगे, आपको आपके ही नज़दीकी सेंटर पर बुलाया जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं, 57 जिलों में अभ्युदय योजना को शुरू करने जा रही है, यानी कि 57 जिलों में जो है अभी तक ऐसे कोई भी सेंटर नहीं बनाए गए थे, जिसके वजह से छात्र अपने नज़दीकी ही जिले में जाकर के अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग कर सकें। तो इसमें जो है आप सभी को काफ़ी कुछ खास सीखने को मिलेगा। इस योजना के तहत छात्राओं को यहाँ पर सिलेबस और प्रश्न पत्रों का प्रारूप भी दिया जाएगा, साथ ही छात्राओं को कक्षाओं के साथ ही ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, टैबलेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इस योजना के अंतर्गत, लेकिन सबसे पहले आप अपनी करियर के बारे में सोचें यहाँ पर, और अपने कोचिंग सत्र के बारे में सोचें, क्योंकि आप सभी के जितने भी साक्षात्कक्षाओं के लिए यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, सभी साक्षात्कक्षाओं के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये पहला फेज है। सेकेंड फेज जब स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जैसे उसके भी नोटिफिकेशन में यहाँ पर मिलते हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत सूचित करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग अभी यहाँ पर फोकस करेंगे अपने ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए, जो कि 10 जून से स्टार्ट होंगे। उससे पहले ही पहले आप सभी को कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप सभी का करा लिया जाएगा, उसके बाद आप सभी की कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप सभी की कक्षाएं यहां पर संपूर्ण तरीके से आप सभी के कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तभी जो है यहाँ पर टैबलेट के बारे में आपको सूचना दी जाती है, और ये सूचना आपको आपके सेंटर के माध्यम से ही दी जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।